कर्वेचर ऑन पेनिस, लिंग के ऊपर कर्वेचर आना या थोड़ा टेढ़ा हो जाना, इसके बारे में आज बातचीत करता हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में पिछले 37 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग कंप्लेन करते रहते हैं और उनको सब सिम्टम्स इकट्ठा ही मिलते हैं उनमें। ऐसे कुछ लोग रहते हैं कि सब सिम्टम इकट्ठा ही सेक्स के, जैसा कर्वेचर ऑन पेनिस, लिंग टेढ़ा है, लिंग छोटा है, नाइट फॉल हो रहा है, टाइटनेस जितना चाहिए उतना नहीं आ रहा है, कठोरता इरेक्शन नहीं आ रहा है और जल्दी भी गिर रहा है। ऐसे लोग मिलते हैं, ये सब प्रॉब्लम्स इकट्ठा है इसलिए शादी भी नहीं किया। देखिए, कर्वेचर ऑन पेनिस जो है ना, ये प्रॉब्लम बहुत नॉर्मल है। 10 डिग्री कर्वेचर, 10 to 15 डिग्रीज कर्वेचर जो है, मतलब टेढ़ा है, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, कोई चिंता करने की जरूरत है नहीं, उससे इंटरकोर्स भी बराबर होता है। हाँ, कर्वेचर मतलब इतना है कि अभी इतना टेढ़ा हो गया, पूरा ऐसा का ऐसा हो गया, तो फिर उसका इलाज करना पड़ेगा, उसको उसकी सर्जरी करनी पड़ेगी, पायरोनिस डिसीज हो सकता है और उसका ऑपरेशन करके उसको सीधा करना पड़ेगा। थोड़ा टेढ़ा इधर उधर तो कुछ चिंता करने वाली बात नहीं। फिर लोग नाइटफॉल, सेम पेशेंट, हाँ एक ही पेशेंट को एक साथ सब आ जाते, नाइटफॉल भी हो रहा बोलते, फिर अभी नाइटफॉल हो रहा है तो ठीक है, नॉक्टर्नल एमिशंस गलत है क्या? बिल्कुल गलत नहीं है, मगर उसके बारे में भी लोग बहुत चिंतित रहते हैं कि नहीं नहीं हमको नाइटफॉल हो रहा है, बहुत ताकत जा रही है, कैसा करूँ क्या करूँ मुझे तो। ऐसे कुछ लोग हैं कि जो नाइटफॉल हो रहा है सोती नहीं है, दो दो चार चार दिन पाँच दिन, और फिर मेंटल पेशेंट बन जाते हैं। तो ये नाइटफॉल का है, और फिर उसके वजह से, फिर ये दोनों है उसके वजह से, फिर उनको आता है लैक ऑफ इरेक्शन, मतलब कठोरता नहीं आना लिंग में, टाइटनेस नहीं आना, क्योंकि अभी चिंता है, फिक्र है, अब कैसा होगा क्या होगा, तो इच्छा ही नहीं है। और कभी थोड़ी बहुत इच्छा हो गई और थोड़ा इरेक्शन आ भी गया, तभी डर के मारे उनको होता है प्री मैचर इजैकुलेशन, अर्ली डिस्चार्ज। अब सब एक साथ में आ गए तो हमको ट्रीटमेंट करना बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि इनके इतने बिलीफ पक्के हो जाते हैं दिमाग में कि हमको सिर पटक पटक दिया उनके सामने, तभी भी उनको समझ में आता ही नहीं। मैं बार बार बोलता हूँ कि अरे भाई, नॉक्टर्नल एमिशन नॉर्मल है, कुछ होता नहीं है, सपने में गया वीर्य तो मानेंगे नहीं लोग। कर्वेचर नॉर्मल है, चिंता मत करो, मास्टरबेशन कर रहे हो उससे कुछ नहीं होने वाला है, चिंता मत करो, कितना सर पटक पटक के बोलो कुछ फर्क नहीं पड़ता इनको। तो लोगों को एजुकेशन की जरूरत है। ये जो मिक्स पिक्चर है, इनको साइकोथेरेपी करना, काउंसिलिंग करना, ये जरूरत है। और जो जो लोगों को ये प्रॉब्लम है, मैं आपको बोल रहा हूँ कि बहुत से लोग इसमें के शादी नहीं करते या शादी लेट करते रहते, तो ऐसा भागने से आप साइकियाट्रिस्ट का, सेक्सोलॉजिस्ट का इलाज करो, इलाज करके काउंसिलिंग करो। ऐसा नहीं कि सिर्फ गोली लिख दो, लोग क्या बोलते हैं हमको गोली लिख दो सब ठीक हो जाएगा, हम ले लेंगे गोली और सब ठीक हो जाएगा। देखो, गोली लेंगे बाकी काउंसिलिंग के लिए पैसे नहीं, ऐसा लोग बोलते हैं। पैसे नहीं है, आपकी शादी रुक गई है और शादी समझो करवा दिया तो शादी में 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000 लोग खर्चा कर देते, समझ के चलो कि 2,000-5,000 शादी के ज़्यादा लग गए। इलाज तो करो कि शादी के बाद में यदि सेक्स नहीं जमा तो शादी टूट जाएगी। तो मैं हरदम ऐसे ही सवाल देता हूँ हमारे पेशेंट लोगों को भी, ऐसा करो आप शादी में कितना खर्चा करने वाले, 1,00,000 रुपये तक ऐसे भी लग जाएंगे, गरीब से गरीब आदमी 1,00,000 रुपये खर्चा कर देता है शादी में। अभी कोरोना में बहुत कम पैसा खर्चे हो रहे, बात अलग है, अदरवाइज लोग 1,00,000 रुपये तो कहीं गए नहीं। मीडियम मध्यम आदमी भी कर्जे पानी निकाल के 2 से 5 लाख रुपए खर्चा कर देता। बोलता अभी आप समझ लो कि 5,000 रुपये ज़्यादा खर्चा हो गए, काउंसिलिंग करो, काउंसिलिंग करेंगे तो शादी के बाद की उसकी लाइफ अच्छी हो जाएगी, दवाई दो। तो ये करेंगे तो काफ़ी लोगों के जो प्रॉब्लम्स हैं वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, वो शादी करेंगे, उनका लाइफ अच्छा हो जाएगा और एक सुखी वैवाहिक जीवन जी सकेंगे। या हमने एक व्हाट्सएप की लिंक भी दी है, इसमें आप ज्वाइन कर लो, हमारा ऐप है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। व्हाट्सएप में आप ज्वाइन हो तो हमारे जो सेक्स के वेबिनार होते हैं उसके बारे में काफ़ी सारी जानकारी आप जल्दी मिल जाएंगे आपको। थैंक यू वेरी मच।